स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसे किस किस जगह पे ऑयल लगाएं, यानी कि मैं जिस तरह डेली बच्चों को ऑयल लगाती हूँ तो कौन कौन से पार्ट से बॉडी के वहां हमें जरूर ऑयल लगाना चाहिए जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहे। तो अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें। नए दर्शक, छोटे बच्चों को अगर हम रोज नहाने के बाद में अगर ऐसे पार्ट से जहां पर रोज ऑयल लगाते हैं तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहता है। चाहे कोई सा भी मौसम है, हमें हमेशा ये नियम बना लेना चाहिए कि हमें बच्चों को नहलाने के बाद में इस जगह पर ऑयल जरूर लगाना चाहिए। जैसे मैं क्या करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहाने के बाद जैसे ही बच्चा को बिल्कुल रेडी करते हैं उस टाइम पे हमें सरसों का ऑयल या फिर कोकोनट का ऑयल, दोनों ऑयल आप ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ जगह सरसों का ऑयल यूज करती हूँ तो कुछ जगह कोकोनट ऑयल, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। मैं बच्चे को मसाज हमेशा कोकोनट ऑयल से करती हूँ और नहलाने के बाद में भी कुछ ऑयल है जो मैं उसे लगाती हूँ। जैसे उसको नहला देती हूँ उसके बाद से रेडी करती हूँ जैसे ही, तो उसको जैसे सरसों का ऑयल थोड़ा सा हाथ पर लेती हूँ और उसकी नाभि पर लगाती हूँ। तो एक तो आप नाभि पर उसका ऑयल जरूर लगाइए ताकि सॉफ्ट रहे, वो गंदी ना हो और वो बिल्कुल साफ करने में भी आसानी रहे। कई लोग होते हैं जो नाभि पर ऑयल नहीं लगाते हैं जिसके कारण उसमें मेल भर जाता है और फिर उसे नाखून से या किसी चीज से साफ करने पर दर्द होने लगता है या फिर उससे खून आने लगता है। तो इस तरह अगर आप रोज थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, यानी जब भी आप नहलाएंगे तो वहां पे फिर आप साबुन लगा कर उसे क्लीन कर सकते हैं तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं होगा। तो इस तरह से आप सरसों का ऑयल या फिर कोकोनट का ऑयल, दोनों ऑयल वहां पर लगा सकते हैं। तो मैं सरसों का ऑयल अपने बच्चे की नाभि पर लगाती हूँ तो वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी जगह है कि मैं हमेशा नहलाने के बाद जैसे से रेडी कर रही हूँ तो सरसों का ऑयल जो उसके कान के पीछे यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से फिंगर रगड़ देती हूँ जिससे कि बच्चे को जल्दी सर्दी जुकाम ना हो और अगर मौसम भी परिवर्तन हो रहा है तो उसे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि सरसों के तेल को अगर हम मसाज करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है जिससे कि बच्चे को काफी आराम मिलता है और उसे कान के भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो नहीं। इस तरह आप भी सरसों के तेल को थोड़ा सा कान के पीछे जरूर लगाइए ताकि बच्चे जैसे उसे रेडी करे तो थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर भी लगाए जिससे कि बच्चे को आराम रहे, उसे सर्दी जुकाम ना पकड़े और ठंड बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह से आप वहां पर आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं सरसों का तेल ही यहाँ पर लगाती हूँ जिससे कि बच्चे को काफी अच्छा, जब भी रेडी करती हूँ तो उसकी पोटी की जगह पर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ ताकि बच्चे को कभी भी कोई कीड़ा भी खाए या कुछ भी खुजली चले तो वो इन्फेक्शन उसको ना हो। तो इस तरह से वो सॉफ्ट भी रहती है जगह और वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप वहां पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दीजिए ताकि बच्चे को बिल्कुल आराम रहे, उसे खुजली ना चले, उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो मैं हमेशा वहां पर कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि सरसों का तेल वहां पर थोड़ा जलन करता है, इसीलिए हम वहां पर कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। कुछ ऐसे पार्ट से जहां पर अगर हम हमारे बच्चों को रोज ऑयल लगाते हैं तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। मैं कुछ इसी तरह करती हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।